हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मींस बेहोश, कोई बेहोश हो जाता है तो उस सिचुएशन में, उस एटमॉस्फेयर में आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, तो उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज़, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। शी फेल अनकॉन्शियस। ठीक है, फेल मतलब गिर जाना। ठीक है, शी फेल अनकॉन्शियस, वह बेहोश होकर गिर गई। अगर हमें सिर्फ बोलना है वो बेहोश हो गई, ठीक है, ये नहीं बोलना कि भैया गिर गई, क्या पता भाई बेहोश हो रही थी, किसने संभाल लिया, तो हम बोलेंगे शी फेंटेड या फिर शी गॉट अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गई। अब हम बोल रहे हैं कि क्या होता अगर वह घर में ना होती तो, वॉट इफ शी वॉज नॉट होम। जब मैं किसी को इंजेक्शन लगाते देखता हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई गेट अनकॉन्शियस या फिर आई फेंट वाइल आई सी समवन गेटिंग इंजेक्टेड। ठीक है, वाइल मतलब मैंने बताया है बहुत बार वीडियो में, वाइल मतलब जब। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आई गेट अनकॉन्शियस वाइल आई सी समवन गेटिंग इंजेक्टेड। जब मैं किसी को इंजेक्शन लगाते देखता हूँ तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। ओके, सुबह से खाली पेट होने के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक है, खाली पेट होने के कारण, शी फेल अनकॉन्शियस बिकॉज शी वॉज एम्प्टी स्टमक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि वह खाली पेट थी मॉर्निंग से, इसलिए वह बेहोश हो गई। खाली पेट रहने से कोई भी कमज़ोर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बींग ऑन एम्प्टी स्टमक विल मेक एनी वन वीक। Being on empty stomach will make anyone weak. इसलिए मैं हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ। That's why I eat something every half an hour. That's why I eat something every half an hour. उसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगवाया। ठीक है, she got injected. इंजेक्शन लगाना मतलब लगवाना, या फिर she got injected to get her in senses. She got injected to get her in senses. मुझे इंजेक्शन लगने से डर लगता है, हम क्या बोलेंगे, I am scared of getting injected. I am scared of getting injected. उसे अब होश आ गया है. She has gained consciousness now. She has gained consciousness now. क्या वह बात करने के लिए होश में है? Is she in her senses to talk? Is she in her senses to talk? Okay, क्या उसने दवाई ली? Did she take the medicines? उसे खाली पेट रहने के बजाय स्वस्थ आहार की आवश्यकता है, तो हम क्या बोलेंगे, शी रिक्वायर अ हेल्दी डाइट रादर देन बीइंग ऑन एम्प्टी स्टमक। रादर देन मतलब बजाय। ठीक है, उसके बजाय अगर हमें बोलना होता है तो हम रादर देन यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या बोला, शी रिक्वायर अ हेल्दी डाइट रादर देन बीइंग ऑन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट रहने के बजाय एक हेल्दी डाइट को फॉलो करो तो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। क्या होगा अगर वह सुबह तक होश में नहीं आती है, तो हम बोलेंगे वॉट इफ शी डज नॉट गेट कॉन्शियस टिल मॉर्निंग। वॉट इफ शी डज नॉट गेट कॉन्शियस टिल मॉर्निंग। सो इनफ फॉर टुडे, आई होप यू लाइक ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।